हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि एग्ज़ाम की थोड़ी तो टेंशन होगी, लेकिन स्वस्थ होंगे। बाकी हम आपकी टेंशन कम करने ही आए हैं। वेलकम टू तपोभूमि क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि दैनिक भास्कर में साल के अंत होने के साथ साथ एक विशेष पेज आ रहा है, जिसमें 2022 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो कवर कर रहे हैं। तो उसी के तहत ये पहला वीडियो है। 24 दिसंबर का ये अखबार है, 24 दिसंबर, जिसमें उन्होंने सबसे चर्चित तस्वीरें ली हैं पूरे साल की। तो हम ये खबरें देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक फैक्ट देखेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। और यहाँ से आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक जनरल न्यूज़ के फॉर्म में आपको सुनते जाना है। तो देखो दोस्तों, ये पहली तस्वीर है जिसमें ईरान की महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा क्यों? ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? क्योंकि ईरान की पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था और महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें लिखा हुआ है, 43 सालों से ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक का शासन है, यानी 1 अप्रैल 1979, 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक यहाँ सेट हुआ था, तब से ये शासन कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ आपको इस्लाम धर्म से संबंधित दो तीन पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे उनकी तीन बहुत ही फेमस रिलीजियस साइट हैं, मक्का मदीना और जेरूसलेम। मक्का मदीना तो सऊदी अरब में है, कोई दिक्कत नहीं, सऊदी अरेबिया, और जेरूसलेम इसराइल और फिलिस्तीन में विवाद रहता है। इसराइल बोलता है ये जेरूसलेम उनका है और फिलिस्तीन वाले बोलते हैं उनका है। और मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म भी माना गया है। आप लोग ध्यान रखना, मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है, ईरान में नहीं है। तो दोस्तों, ये जो महिलाएं विरोध कर रही हैं, इनको, एक मिनट जूम आउट कर दूं, इन महिलाओं को टाइम मैगजीन ने हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है। यहाँ देख सकते हैं, टाइम की ओर से हीरोज ऑफ द ईयर घोषित किया है इन महिलाओं को। वैसे टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो पूछा जाता है, तो इस बार 2022 में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर मिला है वी जेलेंस्की को। जेलेंस्की आपको पता होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये रसिया से लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं। मतलब यूक्रेन रसिया से लड़ाई की स्थिति में फंसा हुआ है। तो आप ध्यान रखना, जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। यहाँ आपको इंडिया के परस्पेक्ट में एक बात याद रखनी है, या आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी इंडियन को पर्सन ऑफ द ईयर नहीं मिला अभी तक। तो आप ध्यान रखना, 1930 में गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं। 1930 में आप समझ लो दांडी मार्च का समय था, तब गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा इस खबर में जानने की जरूरत नहीं है, अब हम नेक्स्ट जाते। तो दोस्तों, अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। श्रीलंका जनता राष्ट्रपति भवन में घुसी, देश छोड़कर भाग गए राजपक्षे। तो दोस्तों, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, आप ये समझ लो पैसे की कमी आ गई। तो यहाँ जो राष्ट्रपति थे वो थे गोटवाया राजापक्षे और प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजापक्षे, दोनों भाई भाई थे। इन लोगों से स्थिति कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन अगर आज के समय में देखें तो कौन राष्ट्रपति हैं और कौन प्रधानमंत्री, ये आपको पता होना चाहिए। श्रीलंका में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आज के समय राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, वो हैं रानिल विक्रम सिंघे। ये बीच में थोड़े टाइम के लिए पीएम भी बने थे जब राजापक्षे तो हटाया गया था, लेकिन आज के समय ये राष्ट्रपति हैं। और आज के समय जो प्रधानमंत्री हैं वो है, उनका नाम है दिनेश गुनावर्दना। यहाँ आप श्रीलंका के बारे में थोड़ा तो जान लो, उनको 1948 में आज़ादी मिली थी, अपन को 1947 में मिली थी, उनको 1948 में, लेकिन अभी उनको डोमिनियन स्टेटस मिला था। डोमिनियन स्टेटस तो मायने इसके बहुत कुछ है। फिलहाल के लिए आप याद रखो कि पूरी आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन आज़ादी तो मिल गई थी। और 1972 में आके ये रिपब्लिक हो गया, मतलब गणतंत्र हो गया 1972 में आके। इस खबर से आपका इतना जानना जरूरी था। लेकिन अब इंडिया से कुछ रिलेशन है श्रीलंका का, वो हम देख लेते हैं। जैसे इंडिया का एक रफ मैप बनाएंगे, थोड़ा रफ बनेगा क्योंकि थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं।
लेकिन आप समझ जाएंगे। जैसे ये इंडिया का रफ मैप है और यहाँ है श्रीलंका। तो आजादी के बाद से और पहले से भी यहाँ श्रीलंका के इस क्षेत्र में रहते थे तमिल बोलने वाले लोग, और ये बड़े से क्षेत्र में रहते थे सिंगला बोलने वाले लोग जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन आजादी के बाद से तमिल लोगों के अधिकार बहुत कम हो रहे थे यहाँ पर, तो लिट्टे का फॉर्मेशन हो गया। लिट्टे कुछ नहीं, ये टाइगर हैं जो ये कहते थे कि तमिल एलम बनाओ। तमिल एलम मतलब तमिल एक नया देश बनाओ। पूरा नाम इस तरह से हो जाएगा, लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, यानी कि तमिल एक नया देश बनाना चाहते थे ये। तो तमिल का सपोर्ट तो सारे लोग करेंगे, तो हमारे यहाँ है तमिलनाडु, वो भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो 1983 से भारत की जो एजेंसी है रॉ और भारत सरकार इनका सपोर्ट कर रही थी, लेकिन 1987 में आके भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से ये एग्रीमेंट कर लिया कि इन लोगों को शांत करेंगे, और बदले में कहा, श्रीलंका ने कहा कि इनको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, जैसे सिंगला को अधिकार दिए जा रहे थे वैसे ही तमिल लोगों को दिए जाएंगे। तो 1987 में भारत सरकार लिट्टे को कंट्रोल करने लगी, और इसी के तहत 1987 में चलाया ऑपरेशन पवन, जिसके खिलाफ ये लोग भड़क गए, और 1991 में इन लोगों ने हमारे पीएम राजीव गांधी की हत्या भी कर दी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर। नेक्स्ट चर्चित तस्वीर ये रही, आखिरी मैच में भावुक हुए 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर, रडाल ने यूं दी विदाई। ये रॉजर फेडरर है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और ये है राफेल नडाल, ये लास्ट मैच में इनके साथ खेले। तो ये रॉजर फेडरर है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, हालांकि डब्ल्यू है लेकिन हम बी लिखते हैं जैसे याद रहे, और ये है यूएसए ओपन। तो साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और साल के अंत में यूएसए ओपन। आपको याद कैसे रखना है ये ऑर्डर, तो आप देखो बीच में एफ बी है और शुरू में ए आपको याद रहेगा, तो ये ऑर्डर आपको याद रहेगा। टेनिस का टूर्नामेंट होता है और इनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो यहाँ 3 खिलाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है राफेल नडाल, दूसरे हैं नोवाक जोकोविच, और तीसरे नंबर पर है रोजर फेडरर। ये जिन्होंने ये मैच रिटायरमेंट ले लिया है उनका नाम लिख देता हूँ, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने, 21 जीते हैं जोकोविच ने और 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने, हालांकि रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, इनका देश पता होना चाहिए। रॉजर फेडर है स्विस खिलाड़ी, स्विस खिलाड़ी है, स्विट्जरलैंड देश के हैं, स्विस खिलाड़ी। ओके, राफेल नडाल ये है स्पेन के। कैसे याद रखेंगे, जब हमारे इंडिया में राफेल आया, राफेल विमान, तो सबके पेन दर्द होने लगा, तो राफेल नडाल स्पेन के हैं बस, और बीच में ये सर्बिया के हैं, आपको बस एक याद करना है बाकी हो जाएंगे। नोवाक जोकोविच के बारे में आपने सुना होगा, ये सर्बिया के हैं, इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी इसलिए इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया गया। यहाँ आपको जानना जरूरी तो नहीं है कौन कितना जीता, लेकिन आप एक बात याद रखना कि विंबलडन जो है वो 8 बार सबसे ज्यादा रोजर फेडरर ने जीता। रिटायरमेंट हुआ है इनका तो क्वेश्चन ये आ सकता है, तो विंबलडन जो है ना बी वाला विंबलडन, वो रोजर फेडरर ने जीता है 8 बार। बस इससे ज्यादा हम यहाँ नहीं देख सकते, हमें ये देखना तो चाहिए कि कौन सा मिट्टी पर खेला जाता है, कौन सा घास पर खेला जाता है, लेकिन हम नहीं देख सकते, बाद में टॉपिक करेंगे तब कर लेंगे। लेकिन आप इतना याद रख लो, पहला और लास्ट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है जो नीले कलर का होता है, बस इतना याद रख लो। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगली खबर पर। अगली चर्चित तस्वीर है, नोएडा में 32 मंजिला ट्विन टावर गिराया 28 अगस्त को, सुपर टेक कंपनी का था, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, करौली दंगों के बीच कांस्टेबल ने जान पर खेलकर बच्चों को बचाया। तो ये चर्चित तस्वीर थी इसलिए आ गई है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है वैसे।
तेलंगाना में 1600 करोड़ में बना देश का सबसे भव्य मंदिर, ये मंदिर का नाम है लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, ये तेलंगाना में है, ध्यान रखना। हैदराबाद जिसकी राजधानी है तेलंगाना, ये वही तेलंगाना है जो 29वां राज्य बना था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य की कैटेगरी से हटे तो ये 28वां राज्य हो गया। मतलब है तो अभी भी 29वां राज्य, लेकिन अब टोटल 28 राज्य हो गए इंडिया में। यहाँ आप एक बात याद रख लो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है सबको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो तेलंगाना में 2021 में रामप्पा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। शिव जी का मंदिर है रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। 2021 की खबर है, ये 39वें नंबर का है और 40वें नंबर का था धोलावीरा गुजरात का, जो शायद आपने सुना होगा। अगली चर्चित तस्वीर है, विल स्मिथ ने ऑस्कर सेरेमनी में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा। ये 94th नंबर का ऑस्कर था, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विल स्मिथ हैं जिन्होंने थप्पड़ मारा, इनको ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसिका, आप ऐसे याद रख लो जेसिका, दैट्स इट। और बेस्ट पिक्चर भी याद रखना हो तो कोड़ा याद रख लो आप, बाकी हम ये अलग से टॉपिक करेंगे ही सही, कोड़ा। नेक्स्ट तस्वीर है, चिली में अचानक बना 36 मीटर का होल, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान मेमना कानों के कारण चर्चाओं में, ये भी कोई नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए लैटर्न रेस्ट्रो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं बात ये वाली, कुछ सूरज और चांद एक तस्वीर में साथ आ गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सूरज और चांद का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड एक स्टैटिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सुना होगा, जैसे कि ये सूरज है, ठीक है, और ये है हमारी धरती, ये हमारा सन। तो सूरज की जो किरणें हैं, रोशनी है, वो धरती पर जा रही है, और यहाँ अगर कोई बीच में आ जाए तो सूरज का ग्रहण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। किसी काम को रोकता है कोई तो ग्रहण माना जाता है ना, तो सूरज के काम को ये चंद्रमा ने रोक दिया, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। और अगर चंद्र ग्रहण की बात करें, तो अगर ये सूरज है और यहाँ धरती है, चंद्रमा पीछे चला जाता है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। आप बस सूर्य ग्रहण याद रखो। एक क्वेश्चन जो हमेशा इससे रिलेटेड है आता है, नोट डाल के पॉइंट वन लिख सकते हैं, कि सारे जो प्लेनेट होते हैं, सारे प्लेनेट घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी कि पश्चिम से पूरब। इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? आपको पता है सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है, तो एक्चुअली सूरज पूरब से पश्चिम नहीं जा रहा है, हम पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, इसलिए उल्टा दिखता है, ऐसे याद रहेगा। तो सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब घूमते हैं, बस दो को छोड़ के, वो है यू और वी, यानी कि यूरेनस और वीनस। अब हिंदी मीडियम वाले थोड़े से दिक्कत में रहेंगे, लेकिन आप यू वी याद कर लो, इंग्लिश में भी पेपर आएगा आपका भी। तो दोस्तों अब आखिरी चर्चित तस्वीर है, नए तारे बनने की पहली तस्वीर। 12 जुलाई को जेम्स वेब टेलीस्कोप से ये तस्वीर ली गई है, जहां ये नए तारे बनते हुए दिख रहे हैं। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप काफी चर्चा में था, दिसंबर 2021 को जब लॉन्च हुआ था तब से ये काफी चर्चा में था, और ऐसा पता था कि ये काफी अच्छी तस्वीरें देगा। तो ये तो हो गया करंट का पार्ट, लेकिन इसमें हम टेलीस्कोप देख लेते हैं जो आपको मदद करेगा पेपर में। टेलीस्कोप के बारे में आप लोग थोड़ा जान लो, टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था हंस लिपरसे ने साल 1608 में। ये याद करने की आप ट्रिक देख लो, हुआ क्या था, हंस लिपरसे की खुद की एक दुकान थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को कुछ मदद करने के लिए कहा, तो बच्चे ने कांच की गोलियां अरेंज कर रहा था, इधर उधर रख रहा था, तो उसी से कांच की गोलियों का एक ऐसा अरेंजमेंट बना कि दूर की चीज पास दिखने लगी। तो जैसे ही बच्चे ने अपने पिता को बताया कि दूर की चीज पास दिख रही है, तो उसके पापा हंसने लगे। तो उससे याद रखना, टेलीस्कोप जो बना वो हंसने खोजा, लेकिन टेलीस्कोप को ये इतना यूज नहीं कर पाए।
तो गैलीलियो ने यूज़ किया था और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, अपनी कुछ जानकारी जुटाई और वो अप्लाई की। तो गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस से यूज़ किया। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। देखो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक देख लो। जैसे यहाँ घर बने हैं तो टेलीस्कोप से दूर दूर गलियाँ दिख रही थी, गली से आप याद रख लो गैलीलियो। हालांकि साइंस वाले बच्चे देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि ये ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए बच्चे हैं तो देख लो ऐसे याद कर लो आप। यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट हमें लिखना होता है कि कॉपरनिकस ने पहली बार सोलर सिस्टम का मॉडल दिखाया, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये कॉपरनिकस ने बताया था। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करते हैं, जो आपने अभी आखिरी चर्च से तस्वीर देखी थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप पेपर में आएगा। इसको नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। ध्यान रखना, ये कनाडा भूल मत जाना। 25 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था फ्रेंच गुयाना ने। फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस की एक टेरिटरी है, हालांकि ये साउथ अमेरिका में है। इससे पहले जो टेलीस्कोप था जो चर्चा में रहता था वो था हबल। हबल टेलीस्कोप, आप ध्यान रखना, 1990 में हबल टेलीस्कोप आया था। अब थोड़ी सी इंडिया की बात कर ले, टेलीस्कोप के मामले में इंडिया का क्या योगदान है। इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल वेवलेंथ टेलीस्कोप था एस्ट्रोसेट। टेलीस्कोप क्या करता है, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज के लिए यूज होता है, उसी से आपको याद रखना है। एस्ट्रोसेट पहला टेलीस्कोप था जो PSLV XL से लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये टेलीस्कोप नहीं, सैटेलाइट था। और 2022 में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया उत्तराखंड में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसकी मैं इमेज लगा दूंगा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। टेलीस्कोप से रिलेटेड ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। दो की मैंने ट्रिक बता दी और दो सिंपल थे। तो फ्रेंड्स, 24 दिसंबर का ये पेपर था जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आई थी। मैंने स्टेटिक पॉइंट कवर करते हुए आपको ये बता दिया। अब अगले वीडियो में हम 25 दिसंबर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया गया है विश्व में पहली बार क्या क्या हुआ, और इसको भी हम स्टेटिक पॉइंट लेते हुए चलेंगे। तो आप तपोभूमि क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसकी वीडियोज़ भी जल्दी मिल जाएगी। 25 दिसंबर का भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है वो करना। थैंक यू।